हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के राखा कॉन्सट्रेटर संयंत्र चापड़ी ताम्र खदान एवं राखा ताम्र खदान के पुनः आरंभ करने को लेकर आज राखा कॉपर प्रोजेक्ट कार्यालय परिसर मैदान में झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राखा कॉन्सट्रेटर प्लांट एवं राखा माइंस के पूर्ण आरंभ से क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। भूमि पूजन में सांसद विद्युत मरण महातो, खाटशिला विधायक लक्ष्मण टूडू, 20 सूत्री जिला उपाध्यक्ष दिनेश साव आदि उपस्थित थे और करीब 8,000 नौजवान को रोजगार दे। ये सारी बातें हम सबको अभी यहाँ बताई गई। इस समय देश में कॉपर खनिज की उपलब्धता बहुत कम है और कॉपर खनिज अभी काफी हद तक भारत आयात करता है, आयात पर निर्भर। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। इस 10 वर्ष के अंदर इस क्षेत्र की जनता ने सांसद विधायक भी चुनने का काम किया, लेकिन किसी सांसद किसी विधायक और केंद्र की किसी सरकार ने आपके इस माइंस की चिंता नहीं। और मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनने के बाद और आप सबके आशीर्वाद से जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनी और आप सबने एक ऐसा सांसद चुन के भेजा जो दिल्ली से रांची क्षेत्र की समस्याओं के लिए दिन रात एक करके ये जो उपलब्धि आज प्राप्त हो रही है वो आपके अच्छे सांसद के चुनाव के। आइए राखा माइंस के संबंध में जानते हैं। राखा माइंस सन 1957 में प्रारंभ हुई थी और यहाँ से उत्पादन की शुरुआत सन 1976-77 में हुई थी। आज से लगभग 18 वर्ष पूर्व 7 जुलाई 2001 को कुछ कारणों के चलते राखा माइंस में खनन कार्य बंद हो गया था। राखा माइंस सन 1971 में प्रारंभ हुई थी और यहाँ से उत्पादन की शुरुआत सन 1976-77 में हुई थी। आज से लगभग 18 वर्ष पूर्व 7 जुलाई 2001 को कुछ कारणों के चलते राखा माइंस में खनन कार्य बंद हो गया था। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बंद पड़ी राखा माइन आज पुनः प्रारंभ हो गई। साथ ही क्षेत्र को राखा कंसंट्रेटेड प्लांट एवं एक नया खान चापड़ी की सौगात भी मिल रही है। कंसंट्रेटर प्लांट के लिए झारखंड सरकार ने 90 एकड़ जमीन का आवंटन HCL को किया है। राखा माइंस की उत्पादन क्षमता 1.50 मीटर टन होगी एवं चापड़ी माइंस की उत्पादन क्षमता 1.50 मेट्रिक टन होगी। साथ ही राखा कंसंट्रेटेड प्लांट की क्षमता प्रथम चरण में 1.50 मेट्रिक टन की होगी, जो कि द्वितीय चरण में बढ़कर 3 मेट्रिक टन की जाएगी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कार्य क्षमता विस्तारीकरण नीति के तहत ICC इकाई की क्षमता को बढ़ाने की तरफ एक अत्यंत सकारात्मक कदम है। इस कार्य के उपरांत
इस क्षेत्र की जनता के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और यह क्षेत्र विकास के नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। घाटशिला मारवाड़ी हिंदी हाई स्कूल के प्रांगण में सरस्वती संस्कार केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य माला दे एवं सविता तिवारी मुख्य तौर पर उपस्थित थी। जमशेदपुर उपायुक्त अमित कुमार से अपने विभिन्न मांगों को लेकर मिलने पहुंचे मांझी परगन्ना महाल के लोग उपायुक्त से मिलकर मांग पत्र सौंपा। मांझी परगन्ना महाल के लोगों को का कहना है कि हम लोग पिछले 23 साल से सम्मान राशि की मांग को लेकर विभिन्न सरकार से मांग करते आ रहे हैं। इस सरकार से काफी उम्मीदें हैं, हम लोग की मांग पूर्ण होगी ऐसा लग रहा है। उपायुक्त से मिलकर हम लोगों ने मांग रखी कि जल्द से जल्द समाज के ग्राम प्रधान नए के बाबा टाकुआ आदि के खाते में पैसा भेजा जाए। पूर्वी सिंहभूम मांझी परगना महाल एक पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, उसके तहत हम लोग उपायुक्त महोदय के पास आए थे। हमारा मांग है विगत 23 वर्षों से हमारे पारंपरिक लोग सम्मानीय एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति हर गांव में 6 पदाधिकारी होता है। मांझी बाबा जिसे ग्राम प्रधान भी कहा जाता है, उसके बाद जग मांझी गोडेत नायके कुडम नायके एवं पारानिक बाबा और उसके ऊपर परगना बाबा होता है। इन सारे प्रतिष्ठित एवं सम्मानीय लोगों को सम्मान राशि दिलाने के लिए सरकार से विगत 23 वर्षों से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने पूरा नहीं किया है। हमारे वर्तमान राज्य सरकार ने पूरा करने की उम्मीदें हैं और पिछले 16 दिसंबर को XLRI ऑडिटोरियम हॉल में जिला के सभी ग्राम प्रधान मांझी बाबाओं को बुलाया गया था और मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह उपस्थित थे। वहां पर उस मंच में हमारे मांझी बाबा एवं ग्राम प्रधानों को सम्मान राशि का चेक भी दिया गया था, लेकिन अफसोस की बात है, छोटा मकर के दिन में सुबह काम शुरू किया, बड़ा मकर पार हो गया, लगभग 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी हमारे मांझी बाबा एवं ग्राम प्रधानों के खाते में सम्मान राशि अब तक नहीं पहुंचा है। इसी बात को लेकर हम लोग उपायुक्त महोदय से बात करना चाह रहे हैं और ज्ञापन भी दिए उनको कि अविलंब उनके खाते में सम्मान राशि को भेज दिया जाए। आपका नाम? सुधीर कुमार सोरेन। सुधीर कुमार सोरेन। कहाँ से आए? पूर्वी सिंहभूम मांझी परगना महल के मास घाट।